नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं पूजा, खबर सतना से है, जहां के मझगवां थाना के अंतर्गत रोहनिया गांव में जंगल में मिली थी अजली युवक की लाश, जिसकी मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने में पुलिस को सफलता मिल गई है। पुलिस ने इस पूरे मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सोमवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सभागार में मामले का खुलासा करते हुए SP धर्मवीर सिंह ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों में विजय सिंह गोण, नीरज सिंह, शीतल सिंह गोण व राजकुमार गोण शामिल है। SP ने बताया कि आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए SIT का गठन किया गया था। वहीं मामले की जांच पड़ताल कर रही SIT टीम को मुखबिर से सूचना मिली कि मृतक, जिसे गांव में लोग सेठ कहकर बुलाते थे, उसकी हत्या में विजय सिंह गोड़ सहित तीन अन्य लोग भी शामिल हैं। जिसके बाद पुलिस की टीम ने संदेह के आधार पर चारों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। वहीं पूछताछ में आरोपियों ने हत्या करना भी कबूल कर लिया है। पुलिस ने मृतक का मोबाइल, मोटरसाइकिल एवं घटना में उपयुक्त संबंधित अन्य वस्तुएं भी बरामद कर ली हैं। SP ने बताया कि मृतक स्वयं को सेठ उर्फ नितिन पटेल बताता था, जबकि उसका नाम मुकेश सचान निवासी देवकली पिल्लौर घाटमपुर जनपद कानपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला था और वर्षों से परिवार से अलग रह रहा था। वहीं मृतक का ग्राम रोहनिया की महिलाओं एवं लड़कियों के प्रति आचरण भी संदिग्ध था। और जो धूम सुधार के पोर्टल से उस पर भी सर्च कराया गया, लेकिन 6 साल से पीटने के बावजूद भी कोई इसमें सफलता नहीं मिल रही थी शिनाख्त कराने में। फिर इनकी मीटिंग ली गई, एक SIT बनाई गई, SPO की किरण हीरो मैडम के नेतृत्व में SIT बनाई गई, जिसमें TI मझगवां, TI बड़ौदा, OT के। जैसा कि आपको पता है कि 22 फरवरी को मझगवां के जंगलों में एक डेड बॉडी मिली थी। डेड बॉडी की जो स्थिति थी वो डिकम्पोज थी, उसको जलाया गया था। प्राइमरीली जो आइडेंटिफिकेशन के साइन मिले थे उसके आधार पर शिनाख्त नहीं हुई थी। इसमें हमने SIT कॉन्स्टिट्यूट की थी और मृतक की शिनाख्त के लिए 10,000 रुपये का नाम घोषित किया था। SDOP चित्रकूट किरण किरो मैडम और थाना प्रभारी मझगवां और बरौंधा और हमारी साइबर टीम इसमें लगातार काम कर रहे थे। ये जानकारी मिली कि ये व्यक्ति 6 महीने पहले जंगल से लगे हुए रोहनिया गाँव में आके रहता था, कपड़ा फेरी करने का दिखावा करता था वहाँ पर। तो इसकी और छानबीन की गई, पता लगा कि वहाँ के स्थानीय लोगों को आपत्ति थी कि गौड़ समाज के बाहुल्य के गांव में आके महिलाओं के साथ इसका उठना बैठना चाल चलन ठीक नहीं है, इसकी गतिविधियां संदिग्ध है, संभवतः मोटरसाइकिल चोर है। खुल गया, खुल गया, खुल गया। आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त स्काई रेस्टोरेंट खुल गया। वेज नॉन वेज भोजन का लुत्फ उठाने के लिए अवश्य पधारें। हमारे यहाँ स्काई स्पेशल थाली के साथ जन्मदिन, तिलक, एंगेजमेंट, रिसेप्शन के लिए हॉल उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए संपर्क करें 9039033661 पर। पता याद रखें, स्काई रेस्टोरेंट, विश्वविद्यालय रोड, लोटस टावर, खुटे ही, रीवा।